हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू लेट्स क्रैक क्लास 12 सीबीएसई विद एन एकेडमी। इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट और अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है एन एकेडमी। और आपको, मेरा नाम चंदन मनी है, मैं पिछले 5 सालों से नीट जेई और बोर्ड्स वाले स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको टॉप एडुकेटर्स मिलते हैं, क्वालिटी कंटेंट मिलता है। अगर आप इसके प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हैं बच्चों, तो आपको बहुत सारे प्लस बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलता है। इस डेली लाइव क्लासेस में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर के साथ। और क्या आपको इंटरेक्शन टीचर के साथ होगा ही होगा, और लाइव क्लासेस में आप कम्युनिकेट कर पाओगे, अपनी क्वेरीज को आप रिजॉल्व कर पाओगे। आपको स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है जो स्ट्रिक्टली डिजाइन होता है, आपके आपने जो कोर्स ऑप्ट किया है उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, जिससे आप 100% स्कोर कर सकते हो इजिली। और आपको लाइव टेस्ट सीरीज और क्विजेज भी मिलते हैं, जिससे कि आप ये जान सकते हो कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है बच्चों। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब हो गया, जैसे आपने किसी का कोड से यूज किया, रेफरल कोड यूज किया, या आप अनअकैडमी के उस कोर्स के अंदर जैसे इनरोल हो गए, तो आपको जो है उसके सारे वीडियोज, सारे कंटेंट और सारे जो जो क्विजेज, टेस्ट, जिन भी टीचर उस कोर्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, आपको उन सारे टीचर्स के लिए फुल जो है आपको एक्सेस मिलेगा। आप सबसे पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा टीचर लगे वो आप पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही प्लस बेनिफिट है बच्चों, आपको जो है प्लस प्लेटफॉर्म पे, मीन्स आपको पेड प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग कंटेंट, क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको बच्चों। आपको दीज आर द टॉप टीचर्स जो आपको अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हमने लॉन्च किया है, जैसे मैथमेटिक्स के लिए 14 कोर्सेज अभी लॉन्च हुए हैं, फिजिक्स के लिए 5 कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, 3 कोर्सेज बायोलॉजी के लिए, 2 कोर्सेज आपके इंग्लिश के लिए, 2 कोर्सेज केमिस्ट्री के लिए और 1 कोर्सेज इकोनॉमिक्स के लिए। बट बच्चों, ये सारे कोर्सेज जो है रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। आपको क्या करना है, प्लस पे जाओगे तो हर महीने आपके लिए नए नए कोर्स आते रहेंगे, अपडेटेड कोर्स आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, प्लस पे जाना है। आई एम लाइव और नॉट देख लूं मैं। लाइव नहीं आ रहा हूं क्या? देर इज सम टेक्निकल इशू और व्हाट? एक मिनट लगता है, क्रोमा की गलत हो। एम आई लाइव बच्चों? हाँ, तो कहाँ था मैं आपको बता रहा था कि व्हाट आर द कोर्सेज ऑफर्ड इन दिस, व्हाट आर द कोर्सेज ऑफर्ड। तो आपको इंग्लिश, आपको जो है इसमें इंग्लिश कोर्सेज, केमिस्ट्री कोर्सेज और इकोनॉमिक कोर्सेज मिलते हैं। आपको फटाफट अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करना है बच्चों। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना है, फिर आप हमसे जुड़ जाओगे। टेलीग्राम ऐप भी आप डाउनलोड कर लो, और जो यूआरएल है ये वाला जो है आप पेस्ट कर दो। इसको पेस्ट करते ही आप हमसे जुड़ जाओगे और आपको सारे कंटेंट्स जो है आपको अपडेटेड मिलते रहेंगे। तो आप जल्दी से टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन कर लो बच्चों। जो ईयरली फी है वो 12,500 है। अगर आप मेरा कोड CM सर यूज करते हो, CM सर अगर आप यूज करते हो, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो आप मेरा रेफरल कोड याद रखो CM सर, और उसको यूज कर लो, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और जो वही है वो आपको जो फी पड़ेगा वो 11,250 पड़ेगा। बहुत ही कम पैसे हैं बच्चों। इसमें आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायो मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, ऑल ऑल द कोर्सेज CBSE जो ऑफर कर रही है, और आपके जितने भी कोर्सेज हैं उसमें साइंस वाले में, वो आपको सारा मिलेगा इस चैनल के अंदर। ओके, तो थैंक्स, हम थम्सअप टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज जो रिजल्ट आ गया है हमारा, हमारा नहीं आपका आया है, क्लास 12 में रिजल्ट आ गया है, क्लास 12 के साइंस के रिजल्ट आ गए हैं, और 80% बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है। 80% जो है रिजल्ट अच्छा, पासिंग क्राइटेरिया 80% पासिंग रिजल्ट हुए हैं।
और आई होप कि बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए होंगे। लेकिन जिन बच्चों के अच्छे थोड़े अच्छे नहीं हुए आए हैं, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जो है बस स्कोर है जो आपको मिलता है 100। आपको क्या है कि आपको मान लो क्लास 12 के जो स्कोर है इससे आपको कोई फर्क नहीं, आपको मिनिमम 60% होना चाहिए आप किसी भी एग्जाम को एलिजिबल हो देने के लिए। तो जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो ये जो मार्क्स है सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा है, बट इसके रियलिटी में कोई ज्यादा जो है कुछ यूज नहीं है, एक थोड़ा दिखाने के लिए है। तो आपको जिन बच्चों के खराब आए हैं मार्क्स, वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं हो, आपके बहुत सारे जो है मीन्स आपके सारे द्वार खुले हुए हैं, डोंट वरी, आप जो है बहुत सारे एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो जो है। और ये जज नहीं करना है कि जिनके खराब हैं वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है, सारे बच्चे अच्छे स्टूडेंट हैं, सारों ने अच्छे से मेहनत किया है। अब कुछ होता है कि कुछ तो इशू हुआ रहे होगा, ये पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हुए रहेंगे या आपके कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसके कारण से आपके रिजल्ट जो है अच्छे नहीं हो पाए। जिन बच्चों को अच्छे रिजल्ट हैं, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, आपने बहुत अच्छे मेहनत किया है, आपको इसके लिए जो है इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। बच्चों ये तो हो गया, आपने 12th के रिजल्ट कर लिए। बहुत लोग जो है नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो जिन्होंने साइंस लिया है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दूसरा फील्ड अब देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं किसी और फील्ड में चला जाऊं तो अच्छा रहेगा, वो जेई और नीट के जो है अलावा दूसरे फील्ड के तरफ भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो बच्चों क्या है कि मैं आपको एक पर्सनल सलाह देना चाहूंगा कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में ही आप जाओ। मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, और ऑब्वियसली उसका जो आने वाले दिनों में मार्केटिंग अच्छा हो, उनके उससे आप अच्छे से कमा पाओ और आपका इंटरेस्ट भी उसमें हो, तो सब पैरामीटर को देखते हुए आप जो है कैरियर चूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सारे पैरामीटर को आप चेक करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि मुझे करना क्या है, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट आफ्टर 12th, बिकॉज आपका 12th के बाद ही आपका जो है कैरियर डिसीजन हो जाता है, आप किस कॉलेज में जाओगे, वहां पे कैसे पढ़ोगे, आपका क्या उस पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन प्लेसमेंट, ये सब सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, समझे। तो आप कोई सब फील्ड अच्छे हैं बच्चे, कॉलेज बहुत अच्छे होने चाहिए, तो उससे क्या होता है कि आपको एक एक जो है इन्वायरमेंट मिलता है, आपको प्लेसमेंट अच्छे मिलते हैं, और आपका एक अच्छे अच्छे कॉलेजेस में क्या होते हैं कि अच्छे कॉलेजेस में आपको अच्छे बच्चे मिलते हैं, तो आपका एक जो इन्वायरमेंट वहाँ का होता है बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए बच्चों आई होप कि आप जो है अपने आप को डिसाइड कर लिए होगे कि मुझे किधर जाना है नहीं जाना है, वो आपने डिसाइड कर लिया होगा, क्योंकि 11th में ही स्ट्रीम लेते समय भी आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, बिकॉज जितना जल्दी आप डिसीजन लोगे उतना आपका क्लियर रहेगा माइंड कि आप कैसे जो है उसको टैकल कर सकते हो, क्या आपको प्रिपरेशन करना है उस टॉपिक के लिए। तो मैं आपको आज कुछ डिटेल नहीं दूंगा, सिंपली मैं ऑप्शंस आपको देता रहूंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके, किस किस में जो आप जा सकते हो, ठीक है। और क्या मैं बताऊंगा आपको, उसके से रिलेटेड लिंक सारा बता दूंगा, लेकिन आपको डिटेल जाना है तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो उस सीरीज में आपको हर एक के मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है जो भी आपके जो भी कोर्सेज चल रहे हैं या जो भी आपका कैरियर है वो एक एक करके मैं छोटे छोटे वीडियो में बना के आपको बताऊंगा कि कौन कौन से, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलते रहें। जितने भी कैरियर ऑप्शन है वो सारे कैरियर ऑप्शन को मैं जो है हर एक छोटे छोटे वीडियो में बना के आपके बताऊंगा क्या ऑप्शन है, क्या इसमें होगा, क्या पॉसिबिलिटीज है इसके आगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आज का जो सेशन है, आज के सेशन में मैं बस आपको ये बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं और उसके लिंक्स आपको दिए, ये मैंने डाउनलोड किया है सीबीएसई के साइट से ही, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, जिसका है जिसने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है 11th 12th में, उसके लिए ऑप्शन क्या है। तो पहला तो नीट का ऑप्शन है एमबीबीएस, फिर आयुर्वेदिक में जा सकते हो बीएएमएस, फिर बीएचएमएस होम्योपैथिक में जा सकते हो, यूनानी है बीयूएमएस, बीडीएस है, ठीक है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री है इसको कहते हैं। दीज आर द कोर्सेज जो आप जो है नीट के अलावा
भी, और कुछ तो नीट के अंदर भी आते हैं ये सब, जो आप नीट के अंदर भी कॉलेजेस हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो, ये सब जो कोर्सेज हैं ये ऑफर्ड होते हैं नीट के अंदर भी, ठीक है। तो ये सब एग्जाम, ये सब जो हैं आपके कोर्सेज हैं, मीन्स जो आप ऑप्ट कर सकते हो बाद में आफ्टर 12, ठीक है, एक्सेप्ट मीन्स जो MBBS छोड़ के अलग से, ठीक है। तो क्या क्या, एनिमल हस्बेंड्री, बैचलर्स ऑफ नेचुरल और योगिक साइंस, बैचलर ऑफ साइकोपैथी, इंटीग्रेटेड MSc, BSc नर्सिंग, ये सारे कुछ है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप ये सब सारे कोर्सेज जो है हम लोग ऑफर कर, हम लोग का सॉरी, हम लोग नहीं ऑफर कर रहे हैं, ये जो आपके सारे कोर्सेज है आप इनको अच्छे से देख लो और तब डिसाइड करो कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, आपका जो इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में जाओ, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको जो है बताता जाता हूं कि कौन कौन से। तो आपको ये कोर्स में पहले BMS देख सकते हो, ये सब जो है आपके स्क्रीन पे है, इसमें BOT, जनरल नर्सिंग, BMLT, पैरामेडिकल, BSc डिग्री, LLB, एडुकेशन, एडुकेशन टीचिंग, इसमें भी आप जा सकते हो एडुकेशन। ये सारे जो है आप जो है क्लास 12 में साइंस में आपने PCB लिया है, तो ये सारे कोर्सेज जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं वो सारे कोर्सेज में आप जो है आराम से जो है ऑप्ट कर सकते हो, ये सब जो है आपका। तो अगर आपको सारे कोर्सेज के जो मैंने लिंक दे दिए हैं, लिंक आप ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हो वहां से, साइट से आपको, आपको उस पे साइट पे मिल जाएगा, CBSE वाले साइट पे, ठीक है। और ये सारे जो है तो ये सब आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है लिंक है, ठीक है। इस लिंक से आपको पूरा का पूरा जो है सारे के सारे, कब एग्जाम होता है कब नहीं होता है, तो ये सब आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से एग्जाम है और कौन कौन से एग्जाम कब होने वाले हैं। ये सारे लिंक जो है आपको बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम होने। तो बहुत सारे जैसे आपको AIPMT, जैसे नीट वाला है मेडिकल प्री एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, ठीक है, DMER है, ये ICSE बोर्ड ORG है जो झारखंड के लिए, राजस्थान में भी होता है, पंडित भागवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक में है। तो ये सारे एग्जाम आपको जानना चाहिए कि कितने डिफरेंट एग्जाम होते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, ताकि आपको जो है सिलेक्शन करने में आसानी हो। तो बच्चों, जो बच्चे PCM लिया है, जो बच्चे जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है जिनके जिनके, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है, वो लोग जो है ये सब चीज, ये सारे ऑप्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी कोर्सेज हैं आपको स्क्रीन पे दिखता है, जैसे बैचलर इन इंजीनियरिंग, BTech, BArch, इंटीग्रेटेड MSc, BCA, डिफेंस में जा सकते हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, BSc डिग्री, LLB, बैचलर एडुकेशन ट्रेनिंग, ट्रेवल एंड टूरिज्म कोर्सेज, इन्वायरमेंटल साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, डिजाइन सार। अच्छा, कोई भी कोर्स खराब नहीं बच्चों, क्या है कि आपको थोड़ा मार्केट एनालाइज करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कौन से कोर्सेज अच्छे रहेंगे हमारे, कौन से कोर्सेज जो है आपको अच्छे सूट करता है, और कौन से कोर्सेज में आपको, ऑब्वियसली हम लोग जो पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा अर्निंग भी अच्छा हो जाए, तो इसके लिए भी हम लोग बहुत पैकेज अच्छे मिले ये भी हम लोग देखते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, आपको जो है जो जो भी मैंने लिंक यहाँ पे दिया है आपको, ये लिंक सारे जो है आपको ले जाएंगे आपके मेन चैनल पे, ठीक है, सारे लिंक। और इसको डाउनलोड करने के लिए जो है आपको जो है कमेंट सेक्शन में आप पहले ये बोल देना मुझे कि कौन से पे मैं वीडियो, कौन से ऑक्यूपेशन, कौन से कोर्सेज पे मैं वीडियो बनाऊं, किस पे कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, किस किस कोर्स को आप ले सकते हो तो आपको बेनिफिट होगा। तो आप जो है YouTube पे कमेंट करके मुझे बताना कि कौन से कोर्स आपके लिए ठीक रहेंगे और आपको इसके लिए वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं बारी बारी से सारे पहले स्टार्ट करूंगा नीट से ही, नीट फिर JEE के, फिर आफ्टरवर्ड्स डिफरेंट फील्ड में जो भी है वो मैं बताऊंगा। तो ये सब जो बच्चों आपके पे क्या है URL दिया हुआ है, इस पे आप जाके जो है क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जो जो आप नहीं जानते हो उन सारे ऑप्शंस को आप देख के जो है
अब कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है जो 12th साइंस के बीच में आ रहे हैं, 12th साइंस कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस, दीज आर द डिप्लोमा कोर्सेज, जिसमें डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर इन हेयर ड्रेसिंग कंप्यूटर हार्डवेयर फैशन डिजाइनिंग ड्रेस डिजाइनिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग कटिंग टेलरिंग वेब डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्सटाइल डिजाइनिंग हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन फिल्म आर्ट एंड एवी एडिटिंग एनिमेशन मल्टीमीडिया प्रिंट मीडिया जर्नलिज्म कम्युनिकेशन फिल्म मेकिंग एंड डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन। ये सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, सिर्फ जेई नीट नहीं है, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अच्छे कॉलेजेस भी हैं जहां से आपको अच्छे प्लेसमेंट हो सकते हैं। तो आप इनको जाके जरूर चेक करना बच्चों, और इनको इनके जो लिंक्स हैं ये आपको डिस्प्ले पे दिख जाएंगे सारे लिंक्स जो हैं, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, सीबीएसई के साइट पे ये दिया हुआ है ठीक है। इसके लिंक सीबीएसई के साइट पे क्या है मैं देख के बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, कोर्सेज आफ्टर क्लास 12 डालना है, कैरियर कैरियर आफ्टर क्लास 12, तो आपको जो है लिंक खुल के आ जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है। तो ये आपको ये सारे जो लिंक दिख रहे हैं ये सारे आपको जो है एक बार लिंक देखो, स्टडी करो उसको, और उसके बाद तब डिसाइड करो कि कौन सा कोर्सेज लेना है कौन सा नहीं। और अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया है तो वेल एंड गुड ठीक है। तो आपको कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज हैं जो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए हैं, वो एग्रीकल्चर में है ठीक है। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्या क्या है, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बी साइंस इन एग्रीकल्चर एंड इको एंड फार्म मैनेजमेंट, ये सब सारे आपको जो है आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एग्रीकल्चर में। बीएससी इन क्रॉप साइकोलॉजी, ये भी आपको मिल जाते हैं। तो आप सारे जो है ऑप्शंस को प्लीज जाके देखो। फॉरेन साइंस में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे बीएससी फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, सॉरी फॉरेन साइंस नहीं है फॉरेंसिक साइंस है, उसमें बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस मिलते हैं आपको, बीएससी इन लाइफ साइंस केमिस्ट्री फॉरेंसिक साइंस, डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस फॉर द पुलिस पुलिस पर्सनल, जैसे कि जो मर्डर उर्डर होता है या कुछ भी होता है तो उसमें क्या होता है कि फॉरेंसिक साइंस का बहुत जो है बहुत बड़ा रोल होता है उसको ट्रेस करने के लिए, जो सीबीआई सब जो और जो भी कुछ भी क्राइम सीन होता है तो उसमें हम लोग फॉरेंसिक साइंस के बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं, पुलिस लोग फॉरेंसिक साइंस के हेल्प लेते हैं। तो ये सब डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस, ये सब सारे कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे ठीक है। अब आप बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हो, उसमें बी साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बी इन बायोटेक्नोलॉजी है, बीटेक इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, इस सारे हैं जो आपको बायोटेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। जियोलॉजी में भी आपको बहुत सारे हैं, बीएससी इन जियोलॉजी, बीएससी इन जियो ऑनर्स इन जियोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल जियोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन जियोलॉजी ग्राउंड वाटर, दीज आर। जूलॉजी में भी आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो, जैसे बीएससी इन जियोलॉजी, बीएससी इन साइंस ऑनर्स इन जियोलॉजी, बीएससी साइंस इन एग्रीकल्चर फिशरी फिशरी माइक्रो बायोलॉजी, बीएससी इन एडवांस जियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ठीक है, बीएससी बीएससी इन जूलॉजी एंड एनिमल टेक्नोलॉजी, ये सब सारा है। फूड टेक्नोलॉजी में भी आप कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में भी मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, फूड टेक्नोलॉजी में भी बीएससी इन फूड प्रिपरेशन प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, बीएससी इन फूड प्रोसेसिंग, बीएससी इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन फूड स्टोरेज प्रिजर्वेशन एंड फूड टेक, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये सब फूड प्रिजर्वेशन पे जो जो भी इंजीनियरिंग है वो सब आप कर सकते हो। माइक्रो बायोलॉजी में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको जो है, और ये सब साइंस वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, ये जो जो भी जिन्होंने पीसीएमबी लिया है या पीसीएम लिया है या पीसीएम पीसीबी लिया है वो सारे जो है इन सारे को देख सकते हो। आप जाके इन सारे ऑप्शंस को देखो बच्चों, और सारे ऑप्शंस में
जो है इम बहुत सारे जो है आपको अपॉर्चुनिटी बाद में मिलेंगे, बहुत सारे, सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर नहीं होता, बहुत सारे अलग अपॉर्चुनिटीज जो है आपको आगे आने वाले दिनों में मिल सकते हैं इसमें, ये सारे कोर्सेज में। तो आपको ये सब कोर्सेज भी देखने चाहिए एक बार, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फैब्रिकेशन टेक एंड इरेक्शन इंजीनियरिंग, बी इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बी इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री, बी इन मैन मेड फाइबर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर असिस्टेंटशिप, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बी ये सब बी आर्क लिखा हुआ, बैचलर इन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, बैचलर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। फिर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मिलते हैं, यूनिवर्सिटी कोर्सेज में हैं, सम ऑफर्ड बाय द ड्यूअल ड्यूअल क्वालिफिकेशन कोर्सेज ऑफर्ड बाय द वर्ल्ड क्लास आईटी अपॉर्चुनिटीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट सन ओरेकल, ये सब सर्टिफिकेशन है जो आप ले सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट एक्रेडिटेड कोर्स कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं, कोर्सेज ऑफर्ड बाय द स्मॉल एंड लार्ज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच आर आइदर एफिलिएटेड विद द फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंडियन, सम हैव नो एफिलिएशन एट ऑल। तो आपको ये भी देखना है कि आपको उसी कोर्स से करना है जिसमें कि एफिलिएशन उनका हो, कोई भी ऐसे वैसे यूनिवर्सिटी से नहीं करना है बच्चों जिनका एफिलिएशन नहीं हो, एफिलिएशन वाले ही यूनिवर्सिटी से और अच्छे रैंकिंग वाले यूनिवर्सिटी से आपको करना चाहिए, बाद में उसमें प्लेसमेंट में आपको जो है फायदा होता है। तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको अगर ये पेज डाउनलोड करना है तो आप सीबीएसई के साइट पे जाना और कैरियर और आप लिखना क्या, आप लिखना कैरियर आफ्टर क्लास 12 साइंस, तो आपको जो है पेज खुल के आ जाएगा, या गूगल में आप ट्राई करना कैरियर आफ्टर क्लास 12 साइंस, कैरियर आफ्टर 12 साइंस, और आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं डिटेल वीडियो हर एक का मैं आपको बना बना के दूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं डिटेल में, सारे को मैं कोशिश करूंगा कवर करने का, एक सीरीज चला दूंगा मैं कि व्हाट शुड यू डू आफ्टर 12th दोज हु हैव टेकन साइंस। ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है, जो है ऑप्शन सेलेक्ट करो और उस पर बैठ जाओ, सारे पे कंपटीशन एग्जाम कंपिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सारे के, मैंने लिंक ऑलरेडी जो है आपको डिस्प्ले कर दिया है, ये सब सारे लिंक्स हैं जो आप जो है जाके यहाँ पे देख सकते हो, और आप इस लिंक पे जाके जो है अपने सर्च कर सकते हो कि इसके एग्जाम कब होते हैं, कब उसका नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आप जो है बहुत खुश हो गए, आज आज आपका एग्जाम रिजल्ट आया है और जो है आप जो है बहुत इंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, और अगर आप मेरे प्लस प्लेटफॉर्म पे आओगे तो बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट हम 12th क्लास के लिए ला रहे हैं, जो जो बच्चे अपेयरिंग हैं और जो नीट के लिए हैं उनके लिए भी, बहुत नीट और जेई के लिए जो भी बच्चे हैं वो भी आके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों, और फिजिक्स में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने कवर कर के रखा हुआ है, आप मेरे वीडियोस को चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हो, बेल आइकन दबा दो ताकि मैं जो डिटेल आपको जो भी अपडेट लाता रहूं वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आज जो है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपको, पहले कैरियर डिसाइड कर लो और कैरियर ऑप्ट करने के बाद लग जाओ उसके प्रिपरेशन में, क्योंकि सारे के ऑलमोस्ट सारे के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अपने अपने अलग अलग स्टेट्स में, आप उनके एग्जाम्स को फिलअप करो और एग्जाम्स को फिलअप के उसमें डेट्स लिखे होंगे, आपको उस डेट्स पे जाओ, डेट्स पे एग्जाम होंगे, आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, तो थोड़ा रिसर्च करो, खुद से भी रिसर्च करो, अच्छा रहेगा आपको, और अच्छे और वीडियोस तो मैं लाने वाला हूँ एक कि कैरियर काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो मेरे आने वाले वीडियोस रहेंगे बच्चों, मैं हर एक टॉपिक पे हर एक कोर्सेज पे मैं अलग अलग से वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे, और प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट करो बच्चों, जो भी वीडियो आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन पे डाल दो, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्लास 12 के, क्लास लेस क्रैक क्लास 12 साइंस, और आपको अगर नीट और जेई में भी अगर थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है फिजिक्स में तो आप मेरे चैनल पे आओ, मैं आपको बहुत बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है बच्चों
जो है वो भी नीट और जेई में पूछे जाते हैं। ये आपका मिसकंसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि एनसीईआरटी नहीं सॉल्व। सबसे पहले आप जो भी बच्चे नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज आप एनसीईआरटी और एग्जाम सॉल्व करो। बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बहुत सारे जो आप प्रीवियस ईयर में देखोगे उन कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। कॉन्सेप्ट पे रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, मीन्स क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो सकते हैं ना। तो इसलिए बच्चों प्लीज इसको जाके वीडियो देखो, मिस आप जो है पूरा अपने आप को कर लो कि क्या करना है आपको, और उसके बाद भिड़ जाओ प्रिपरेशन में। अब आपके पास टाइम नहीं है, आप अभी जो है खुश आधा खुश मत हो जाओ, आप अभी से कैरियर ऑप्शन, क्योंकि 12th आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर डिसाइडिंग है कि आप 12th के बाद क्या करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना आपको 12th के बाद। बहुत फूक फूक के कदम, एक मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। तो आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचना बच्चों कि आपको करना क्या है। ओके, क्या कोर्सेज आप ऑप्ट करो तो आपको आगे वो फायदा करे। और ऐसा कुछ मत कर लेना जो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं हो, और बिल्कुल आप जो है उसको करना ही नहीं चाहते हो, किसी के दबाव में, बहुत ज्यादा दबाव कर लिया आपने, तो वो नहीं करना है आपको। आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड ही कुछ फाइंड आउट। जैसे इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे मेरा ही खुद का एग्जांपल देख लो, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं लगा उसमें। मैं अगर मैकेनिकल से करता होता तो मैंने पहले काउंसलिंग में मैकेनिकल ही लिया था, लेकिन क्या हुआ कि किसी ने बोला नहीं यार मैकेनिकल में उतने सारे अच्छे सैलरी नहीं मिलते हैं, एंड देन यू गो इन द सॉफ्टवेयर कंपनी ओनली। तो मुझे पता नहीं था, आई वॉज मिसगाइडेड, और मैं जाके फिर से अपने ब्रांच को चेंज करा लिया और मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं लगा सॉफ्टवेयर में। मैकेनिकल अगर रहता तो हो सकता है मैं जो, क्योंकि मेरा फिजिक्स शुरू से स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा था, तो मैकेनिकल रहता तो आज मैं जो है हो सकता है जॉब करता रहता, और जो है मैं किसी कंपनी में, मैंने ऑलरेडी जॉब किया है सॉफ्टवेयर में, लेकिन मुझे मन ही नहीं लगा, मेरा इंटरेस्ट वो हुआ ही नहीं। मैंने कितने जॉब छोड़े हैं, फिर भी बार बार मैं जाता था और जॉब छोड़ के चला आता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। तो आप थोड़ा इंटरेस्ट जिसमें हो प्लीज उसी को आप जो है फॉलो करना प्लीज, ठीक है ना। थोड़ा वो आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको जो है वो हमेशा जो है बूस्ट करता रहेगा, क्योंकि बिल्कुल इंटरेस्ट जिसमें नहीं हो प्लीज आप उसमें मत जाना, ठीक है। आई होप बच्चों ये लेक्चर, ये जो वीडियो है आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और बाकी आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बता देना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, प्लीज आप जो है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।